हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हियर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि YouTube वीडियो के लिए आप किस टाइप से एक अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स देखिए, ये थंबनेल तैयार किया है मैंने, लेकिन हम थोड़ा सा इससे अलग थोड़ा सा करेंगे। तो किस टाइप से करना है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हिसाब में लग रहा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो है क्रोम पे आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको जो है स्नैपा, आपके पास अगर कोई दूसरा ब्राउजर है तो उस पर चल जाइए, snappa.com सर्च करना है। और फिर गाइस उसके बाद में जो आपको अगला बचा हुआ जो टास्क है वो करना है। इसके अलावा गाइस देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ये गाइस मैंने जो एक PNG बनाई है, तो आप भी जो एक PNG क्रिएट कर ले अपनी फोटो की, यानी कि फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सारा काट ले अगर आपको पिक्चर यूज करनी है थंबनेल के अंदर। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सिनेमा पे ऑप्शन आ गया है YouTube थंबनेल का। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा लोडिंग का, ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल है, तो ये लेआउट्स भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर लेआउट नहीं यूज करना चाहते तो सीधा कर दीजिए क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, सही है। उसके बाद में गाइस बैकग्राउंड जो है ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद गाइस आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल, आप कलर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मेरे को दूसरी एक येलो कलर में सिलेक्ट करना है, तो येलो में कलर सिलेक्ट कर लियो। इसके बाद मैं इसको जो है आप थोड़ी साइज जो है छोटी कर सकते हो, यहाँ से छोटी कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, 68%। इसके बाद मैं आपको अगला काम करना है, इमेजेस पर जा सकते हैं। अब जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मान लीजिए मुझे वॉल चाहिए, यानी कि मुझे थोड़ा सा पीछे दीवार का थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, तो वो मैं कर दिया हूँ वॉल। तो गाइस ये देखिए अच्छा है ऑप्शन, ये मैं इस पर काम करूंगा, ठीक है। आप दूसरी पे भी काम कर सकते हैं किसी भी टाइप पे, लेकिन ये मैं ले लेता हूँ। इसके बाद में गाइस इसको जो है अगर आपको पैटर्न्स यूज करने तो आप पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं, इसकी पैटर्न्स है। लेकिन गाइस हम इस पर काम करेंगे, सबसे पहले जो है कलर अवर ले, सबसे पहले जो इसको थोड़ा डार्क करेंगे। इसके बाद में गाइस इसको थोड़ा हम ब्लर करेंगे, क्योंकि हमें जो है अपनी इमेज लगानी है पीछे बैकग्राउंड में। इसके बाद में गाइस जो है कलर अवर ले जो है ये आप कर सकते हो, लेकिन कौन से कलर पे करना है, लाइक अगर आपको ग्रे में करना है ग्रे जो है चूज कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ग्रे ग्रे हो जाएगा कि जो है आप ग्रे पे काम कर रहे हो, ठीक है। अगर ज्यादा आप ब्लैक पे कर रहे हो तो ठीक है। तो ये देखिए गाइस हमारा काम। इसके बाद में गाइस आपको टेक्स्ट पे जाना है, ग्राफिक्स पे जाना है गाइस। ग्राफिक्स पे जाके जो है आपको इमेज अपलोड करनी है जो कि हमने PNG ली थी, ठीक है। तो गाइस देखिए ये मेरी 198 ये PNG है, तो ये मैंने जो है अपलोड कर दी है। इसके अलावा गाइस देखिए आपके पास एक ऑप्शन और है, यहाँ से भी आप जो है आइकन्स ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे YouTube का आइकन लेना है, तो YouTube का मैं आइकन यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पे जो है बहुत सारे साइट्स के आते हैं, तो ये गाइस देखिए चार आइकन्स हैं। इसके बाद में आप इन आइकन्स को लेकर इनका जो है कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। स्पेशली जो ये ब्लैक नजर आ रहे हैं तीनों, इन तीनों का जो है कलर आसानी से चेंज आएगा, इसका नहीं होगा रेड वाले। इसके बाद में गाइस देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको फिर सीधा जो है डबल क्लिक कर देना है आपको, ये देखिए गाइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में गाइस जो है मैं एक और PNG फाइल ले रहा हूँ यूट्यूब की, तो या तो आप यहाँ से ले सकते हो या फिर जो है आप अपलोड कर सकते हो PNG लेके। तो मैंने इसको जो है अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये यूट्यूब हो गया मेरा। इसके बाद में गाइस जो आपको अगला काम करना है वो जो है टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है हम यहाँ से लिखेंगे और इसको जो है कलर देंगे सबसे पहले, तो हम सॉरी गाइस, वैसे तो बात काफी इजी है अगर मैं आपको बताऊं तो हाउ टू लिखना है, हाउ टू, ठीक है। इसके बाद में गाइस का जो कलर जो है वो व्हाइट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ से जो है इसकी साइज चुननी है, तो साइज जो है मैं 120 दे रहा हूँ गाइस, आई थिंक बहुत बढ़िया है। इसके बाद में गाइस यहाँ से जो है हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सा जो है फॉन्ट जो है हमें चाहिए, ठीक है। एक अच्छा सा फॉन्ट जो कि साइज सही रहेगा आपके लिए वो जो है आपको चुन लेना है, आपको जो भी सही लगेगा इस वो चुनना है। यहाँ पे जो मुझे सही लगेगा मैं वो चुनूंगा, ठीक है। काफी कुछ है वैसे, देखिए काफी हर डिजाइन के जो है फोन अवेलेबल है यहाँ पे, और गेनो गाइस ये इंटरेस्टिंग है, शैडो रामन, ठीक है। तो मैंने ये चुन लिया है,
और यहाँ से आप अपने फॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में गाइस जिसमें हमने फॉन्ट चुन लिया, उसके बाद में हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से गाइस कॉपी होगा नहीं, आपको जो है और ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, साथ में। तो टेक्स्ट और जोड़ लेते हैं एडिटिंग, और ये वाला जो है गाइस मैं बड़ा करूँगा, ध्यान रखिए। और इसको मैं पूरा जो है कैपिटल में करूँगा, ठीक है। तो मैंने ऑसम लिख दिया है और पूरा जो है मैंने एक कैपिटल में लिखा है। अब इसके पीछे गाइस मैं रीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑसम अभी तो गाइस इसको जो है नॉर्मल में वही साइज ले लेता हूँ, और फिर आपको मैं इसको बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको कैपिटल क्यों लिखा है, क्या रीजन है कैपिटल लिखने का, ठीक है। हाउ टू, वैसे गाइस एक चीज हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम क्रिएट करते हैं। हाउ टू तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें मैं एक चीज जो है ढालना भूल गया, वो था मेक। तो इसको जो ऐसे बड़ा कर लो बस, ठीक है। तो हाउ टू मेक ऑसम यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, TH, सॉरी गाइस, थंबनेल की स्पेलिंग तो आपको मालूम होगी, ठीक है, नहीं मालूम तो यहां से देख लो, होप मैं गलत नहीं कर दूं। THUMB, THUMB, NAIL। इसके बाद में गाइस जो है आपको इसको जो है कलर कर देना है वाइट, और इसकी भी जो साइज है वही रखनी है 120, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए उसके। तो यहाँ से गाइस इसको जो है पीछे कर लेते हैं इतना सा, ठीक है, अगर ये इस पे नहीं सूट हो रहा है तो, ठीक है, चलिए गाइस हो गया है, ठीक है। लेकिन गाइस इसको जो है मैं थोड़ा बड़ा करूंगा ऑसम को, हालांकि अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और बड़ा करने जा रहा हूँ। अब गाइस इसके पीछे का मैं आपको रीजन इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा अलग लगे, कि ये थोड़ा सा गाइस में थोड़ा सा यूनिक लगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑसम लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउ टू मेक ए कूल। अब मैं यहाँ पे ऑसम लिखा हूँ, कुछ जरूरी नहीं है कि ऑसम ही लिखूँ, जिसको जो है मैं कूल भी कर सकता हूँ फुल कैपिटल में, कूल एट्रैक्टिव फुली स्पेलिंग सही हो, ठीक हो। तो इस टाइप से जो है आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हैं, यू नो, अल्टीमेट, यूनिक, जो आपको लगता है वो, ठीक है ना। और मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑसम, ठीक है, या इनक्रेडिबल लिख सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन है आपके पास, ऑसम लिख दिया, और इसको जो है साइज को जो है थोड़ी सी बड़ी भी हमने जो है कर दी है, ठीक है, 135 की। और ये जो दोनों है इनकी भी साइज मुझे लगता है थोड़ी सी बड़ी हमें कर देनी चाहिए, 125 तक मैं जो है इसकी कर देता हूँ, ठीक है, ऑसम। और गाइस यहाँ पे जो है हमारा यूट्यूब आ गया है, और फिर गाइस ये जो है थंबनेल, इसकी भी जो है 125 करनी पड़ेगी क्योंकि हमने उसकी की है, ठीक है। इस 125 करने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये वाला थंबनेल जो है ना ये पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसकी भी जो है यहाँ से हम कम कर देंगे, क्योंकि दोनों जो है सही लगने चाहिए, ठीक है। यूट्यूब को जो है आप बीच में रख सकते हो, एंड थोड़ा सा जो है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए गाइस ये जो है हमारा क्रिएट हो गया है YouTube थंबनेल। अच्छा लगा आपको तो डेफिनेटली आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो गाइस इसके अलावा जो है ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए ख़त्म नहीं होता है, अगर आप चाहो तो देखिए गाइस एक चीज़ और कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शेप, यहाँ से गाइस आप शेप ले सकते हो, और चूंकि मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में ये लगाता हूँ ये वाली चीज़, तो आपको बता देता हूँ किस टाइप से मैं ये करता हूँ। तो ये शेप जो है मैंने यहाँ बना ली, और इसको जो है आप लगा लो नीचे बॉर्डर पे, ठीक है। अगर आपको छोटा सा मैसेज वैसेज देना हो, और ओपोसिटी जो है इसकी जो है यहाँ से आप कम कर सकते हो, कलर रख सकते हो, लाइक ग्रीन रख लिया और उसमें जो है ओपोसिटी जो है आपने कम कर दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है आपको लिखना है मैसेज देना है, वो मैसेज आप दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करूँगा वो रेड करूँगा, और रेड के अंदर ही गाइस जो है काम करेंगे, रेड फिर जो है ओपोसिटी जो है कर रहा हूँ यहाँ पे करना है, सॉरी
ठीक है, तो यहाँ से मैंने चुन लिया है रेड और यहाँ से जो मैंने कर दी इसकी ओपोसिटी जो है थोड़ी कम। और गाइस यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो जो भी चाहे वो, यहाँ पे भी जो है आप अपना टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो है आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप करना चाहो तो वीडियोस के अंदर। तो गाइस इस टाइम से ये जो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल, स्नैपा जो है काफ़ी अच्छा है, स्नैपा नहीं तो गाइस फिर आपके पास एक और ऑप्शन जो है वो है कैनवा। कैनवा से भी जो है आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। कैनवा है, फुटर है, फुटर नाम की एक वेबसाइट है गाइस, तो फुटर से आप ट्राई कर सकते हो, कैनवा से ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है स्नैपा। तो इसमें आइए और बनाइए और अच्छे खासे जैसा थंबनेल है वैसा आप बना सकते हो। और यहाँ से देखिए गाइस आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पे जाके, तो डाउनलोड जिस पे भी फॉर्मेट में करना है, वेब ऑप्टिमाइज या फिर जिस भी फॉर्मेट में करना है उसमें सीधा आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टेक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल की अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो जैसे ही न्यू वीडियो है वो आपको मालूम पड़ जाए, उसके लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।